कडीमा में अतिक्रमण हटाए जाने पर व्यापारियों का फूटा गुस्सा। बताते चले कि न्यायालय के आदेश अनुसार अतिक्रमण हटाया जाना था, जिसके चलते आज प्रशासन और नगर पालिका की टीम पुरानी तहसील रोड अतिक्रमण हटाने पहुंची, जिसे देख व्यापारी आग बबूला हो गए और अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे खटीमा तहसीलदार यूसुफ अली से व्यापारियों की नोकझोंक भी हुई। वहीं व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने पर प्रशासन का जमकर विरोध किया। वहीं व्यापारी उपजिलाधिकारी से मिले और व्यापारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया। वहीं सब्जी विक्रेता अध्यक्ष पप्पू अली ने कहा कि लॉकडाउन से व्यापार वैसे ही ठप हो गया है और कुछ व्यापारी फड़ लगाकर अपना व्यापार कर रहे हैं, तो स्थानीय प्रशासन उनके साथ उत्पीड़न कर रहा है। वहीं कांग्रेस नेता नासिर खान ने कहा कि अतिक्रमण हटाना है तो बड़े बड़े व्यापारियों का बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो भी अतिक्रमण की चपेट में है, उन्हें प्रशासन नहीं हटा रहा है और छोटे व्यापारियों को हटा रहा है। वहीं तहसीलदार यूसुफ अली ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाया जाना है। व्यापारी विरोध इसलिए कर रहा है कि उनके पास कारोबार वैसे उसके कोरोना के लेके वैसे मतलब जो है आप व्यापारी बहुत परेशान है और ये अतिक्रमण जो है वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारी बहुत परेशान है, वैसे दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं हम इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको हमें थोड़ा सा मैडम के पास आज आए हैं, मैं अर्जुन साहब के पास, और उन्होंने हमें थोड़ा आश्वासन दिया निशान लगाने का, और हम इसीलिए जो है विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं जगह दी जाए। ये हमारी हमेशा से मांग चली आई कि हमें ये कहीं जगह दी जाए और कहीं हमें बसाया जाए। प्रशासन उत्पीड़न तो कर ही रहा है बहुत दिन से, मगर पहले सबसे पहले ये है कि हमारा मतलब ये है कि जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने की बात है, जो अतिक्रमण प्रशासन के पास चिन्हित है, जो बड़े अतिक्रमणकारी हैं उनको छू नहीं रहे हैं, वहाँ जा नहीं रहे हैं, जो छोटे छोटे खोखे या छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठे हैं गरीब, उन गरीबों को उजाड़ रहे हैं। उन गरीबों को पहले उजाड़ने की क्या, पहले उन लोगों के पास तो जाओ जो बड़ी बड़ी पाँच पाँच माले बिल्डिंग बना के बैठे हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच रहे ये लोग। सबसे पहले अभी मछली मंडी में 4-6 दुकानें गिरा दी, अब उसके बाद यहाँ आगे जो छोटे छोटे इतने से जो 10-10, 5-5 फुट 4-4 फुट अतिक्रमण है, जिनका अतिक्रमण भी नहीं है, जो फड़ लगा के बैठे उनको उजाड़ने में लगे हुए। इस समय COVID-19 का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, व्यापार नहीं है, बाज़ार में लोग नहीं हैं, व्यापारी के पास पैसा नहीं है, आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार देख रही है, फिर भी गरीबों को उजाड़ा जा रहा है ताकि वो और ज़्यादा आत्महत्या करें। अरे ये तो लेकिन प्रशासन का थोड़ा रवैया जो है बड़े लोगों के प्रति नरम है और गरीबों के प्रति जो है वो सख्त है, जो नहीं होना चाहिए। गरीबों के प्रति प्रशासन का रवैया जो है नर्म होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो है आज फरिंजा रोड से जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कल भी हटाया गया था, और जिसमें कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं, तो उनको जो है बता दिया गया है कि भाई माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई जारी रहेगी।